बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टडी इन यूरोप यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है बाबर अली। आप जिस कंट्री की बात करने वाले हैं वो आपको अकोमोडेशन के लिए 28 लाख रुपया देगा, साथ में आपको वीज़ा भी देगा और सैलरी तकरीबन उसकी 7 से 8 लाख रुपया सैलरी होगी। और देखें जौन सा है ये कंट्री ऐसा है कि यहाँ पे आपकी मनी सेविंग काफ़ी होगी। तकरीबन अगर 7 से 8 लाख सैलरी मिलती है तो उसमें से एक्सपेंस जो सा है ना वो तकरीबन 4 से 5 लाख एक्सपेंस है, बाकी 3 से 4 लाख रुपये आपकी सेविंग होगी मंथली। तो उससे बेहतर है कि किसी आप कंट्री में जाएं जिस जहाँ पे 9 से 10 लाख सैलरी हो और वहाँ पे एक्सपेंस भी तकरीबन 8 से 9 लाख हो, तो फिर आपकी वो सेविंग नहीं है। इसलिए आपको वो कंट्री का चूज़ करना चाहिए जहाँ के आपके मनी सेव हो पाए, ताकि आपके ओल्ड एज बेनिफिट्स में आ जाए या फ्यूचर प्लानिंग्स में आ जाए, या आप बिज़नेस करना चाहें तो उस बिज़नेस में कंज्यूम हो सके वो मनी, या उसका आप बैंक में डिपॉजिट करवा के उसका फिक्स रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि इस चीज़ों को देख के तो आपको वो यूरोपीय कंट्री डिसाइड करनी पड़ती है कि जहाँ पे आपका अच्छा बेनिफिट्स हो, ताकि आप पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं तो बाद में आपको रिटर्न भी अच्छा मिले, आपके बच्चों को अच्छी स्टडी मिले, मेडिकल मिले और यानी कि बाकी जो से बेनिफिट्स होते हैं कंट्री में वो भी मिले। तो इस कंट्री का मैं नाम एंड पे बताता हूँ। इस कंट्री की जो सी है सैलरी वो हाई है, तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए आपको सैलरी, प्रोफेशंस को 10 लाख तक सैलरी भी मिलती है। और इसका जो सा है सेविंग प्लान भी बड़ा है, और ये इसका वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो 180 कंट्रीज़ में आपकी जो सी है ना एंट्री फ्री हो जाती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका पासपोर्ट माना जाता है, तो 180 कंट्रीज़ में आपको ये एंट्री फ़ी दे देता है। और जो से इसकी जो सी नेशनलिटी है पीआर रेसिडेंसी वो 3 साल से 5 साल तक में दे देता है, रिगार्डिंग टू आपका जो सा है रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड ना हो तो इस वजह से, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो ये आपको दे देता है। पॉपुलेशन जो सी है इसकी 50 लाख है। कंट्री थोड़ा ठंडा है, लेकिन ये है कि यहाँ के लोग जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो माइग्रेट कर जाते हैं, तो उनको जॉब्स यानी कि वहाँ पे बर्फ़ हटाने के लिए और जो से रेस्टोरेंट्स वगैरह और बाकी ऑफिस वर्क में भी जो सी हैं वहाँ से छुट्टियाँ ले लेते हैं, तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये बाहर से लोग जो से हायर करते हैं। तो इस कंट्री के बारे में जो सा इस कंट्री का नाम है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के स्कॉटिश पुलिस के नाम से इनकी काफ़ी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, स्कॉटलैंड का काफ़ी नाम है। है तो यूके की रियासत, लेकिन ये यूके से सेपरेट ही है। इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपना इनका प्रेसिडेंट होता है, यानी कि पिछली जो से इनके इलेक्शन थे उसमें एक पाकिस्तानी इलेक्शन यानी कि मुस्लिम इलेक्टेड हुआ था, जैसे कि यूके में ऋषि सुनाक सेलेक्ट हुआ था तो उधर स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी सेलेक्ट हुआ था। तो ये स्कॉटलैंड काफ़ी अच्छा मुल्क है, काफ़ी रूल एंड लॉ रेगुलेशंस हैं, यानी कि मोबाइल स्नैचिंग या स्ट्रीट क्राइम 0 के बराबर है। तो इसकी मैंने लिंक्स में काफ़ी वेबसाइट्स दे दी हैं, उसमें आप अपनी प्रोफेशंस के जॉब से जाके अपनी जॉब से सर्च कर सकते हैं। 2 वेबसाइट को मैंने भी एक्सप्लोर किया है आपकी जॉब के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह जॉब हंट करते हैं। तो चलते हैं सिस्टम की तरह, सिस्टम में आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप जॉब सर्च करते हैं और किस तरह उस पर अप्लाई करना होता है। तो चले आए सिस्टम पे, चलते हैं हम। सबसे पहले गूगल क्रोम पे चले जाना है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि गूगल क्रोम आपको चलाना चाहिए, ये आ गया चलाना तो फिर आपको जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ये देखें read.uk.com जो यूके आगे वेबसाइट, इस पर आपने चले जाना है। अब ये देखें इसमें आप स्क्रॉल करें, इसमें आपने ये जो से है ये सेक्टर आ गया, ये लोकेशंस आ गया। लोकेशन वाइज आप लंदन, मैनचेस्टर, ग्लासगो, लिवरपूल और साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड, वेस्ट इंग्लैंड आ गया। ठीक है, ये स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये देखें ये जॉब्स इन स्कॉटलैंड 5426 जॉब्स हैं। अब हम जॉब इन स्कॉटलैंड भी चले जाते हैं, ऐसे चले जाएं, वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, यानी कि सीधा साधे बंदे को भी पता लग जाता है। अच्छा, ये प्रमोटेड उन्होंने पहली वेबसाइट मॉर्टगेज एडवाइजर स्कॉटलैंड, अच्छा ये ब्यूरो की है जो से लीगल के रिलेटेड हैं उनके लिए ये जॉब्स है, और ये प्रमोटेड कर रहे हैं, तो इनको जाहिर बात है ज़रूरत होगी ज़्यादा बंदों की,
तो इस पे ये जो उसी पर एनम सैलरी दे रहे हैं 50,000 पाउंड से 70,000 पाउंड रिगार्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अब और जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे ये, और डेवलपमेंट शेफ आ गया ब्रेक्स में, सैलरी वो निगोशिएबल होगी, मेंटेनेंस असिस्टेंट वगैरह ये आ गया। इस तरह ये आपने अपने रिलेटिव, जैसे कि आप कार ड्राइवर हैं या आप शेफ हैं, तो वो अपने ऊपर जाके इधर सर्च पे लिखेंगे, सर्च बार पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपना शेफ का लिखेंगे तो आपकी वो शेफ की जो सी है स्कॉटलैंड में जॉब्स वो आ जाएंगी। एक और मैं वेबसाइट बताता हूँ आपको, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ये है जो से पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ से है, सीडर केयर होम्स, गूगल क्रोम पे जाके सीडर केयर होम्स लिखना है तो ये पहली वेबसाइट ही आ गई। ठीक हो गया, अब ये वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी और लंबी होती जा रही है, लेकिन आपको बताना भी है ना, चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें तो आपको और भी कंट्रीज की वीडियो मिलेंगी। अब ये सीडर होम्स है, रिलायबल है। अब इसके ये देखें, ये आप चले जाएं मेन्यू में, मेन्यू में जाएंगे, टाइप्स ऑफ केयर इसको छोड़ दें, इसको वीडियो टूर्स भी छोड़ दें, ये कैरियर्स आ रहा है, कैरियर्स में आपने जाते साथ ही ये देखें, केयर असिस्टेंट, केयर कोऑर्डिनेट, नेम केयर, रजिस्टर्ड नर्स, वेलबींग, और ये लॉन्ड्री वगैरह, डोमेस्टिक हाउसकीपिंग, और ये बला 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 रिसेप्शन वगैरह, ये सारी मेडिकल की हैं। अब हम हाउसकीपर पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप जब जॉब ऑफर लेटर ले लेंगे तो वीजा को कोई इशू नहीं है, उसकी आप रहने दें, अगर आप कहेंगे तो मैं वीजे की भी वीडियो बना दूंगा आपको। अब ये आप हाउसकीपर में चले जाए, अच्छा जॉब रिक्वायरमेंट्स जेडी जो सी हैं वो आपको, फुल टाइम है, पार्ट टाइम अवेलेबल है, फुल टाइम 37.5 आवर्स, और शेड्यूल पर एक यानी कि मिनिमम हो सकता है 37.5 घंटे, लेकिन मैक्सिमम आपका ना 40 घंटे शेड्यूल में होगा, जो मंडे टू फ्राइडे होना है, दो शिफ्ट पैटर्न के साथ। अच्छा, दो छुट्टियां होगी इसकी, रिस्पॉन्सिबल क्लीननेस और प्रेजेंटेशन ऑफ होम एंड ग्राउंड, वही सफाई सुथराई करनी है आपने, एक्सपीरियंस वो यार, लेकिन फॉर एक्सपीरियंस इन सम ऑफ आर काइंड, इसमें एक्सपीरियंस की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग भी आपको देंगे जी, वर्क एक्सपीरियंस भी, एक्सपेंड डोमेस्टिक क्लीनिंग रूल वगैरह वो आपको बताएंगे, वर्बल कम्युनिकेशन आ जाए। अच्छा, ये आ गया अप्लाई नाउ का, तो इस पे अप्लाई नाउ करेंगे तो वो आपको ले जाएगा आपके जीमेल अकाउंट में, यहाँ पे आपने देखें तो ये इजी सा सिंपल सा है, इसमें आपने नाम देना है, लास्ट नेम देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, नेशनलिटी बतानी है, इमिग्रेशन स्टेटस बता देना है आपने जो भी हुआ, तो इसमें इमी टायर वन पोस्ट स्टडी वीजा कंट्री अदर में आ जाए, या आप स्किल वर्कर टायर टू, स्किल वर्कर है तो ये टायर टू में आ जाएगा, ये करना है आपने सिलेक्ट। ठीक हो गया, और डू यू रिक्वायर स्पॉन्सर जॉब, आप स्पॉन्सर कर लें तो वो बेहतर है। ठीक है, तो ये नो कर देना। ठीक हो गया, पाकिस्तानी आ गया। ठीक है, पोजीशन आर यू इंडस्ट्री इंटरेस्टेड, केयर असिस्टेंट और नर्सिस की आ रही है, तो आप जो से भी इसमें से हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, नर्स का मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये मैक्सिमम चलता जाएगा, ये आपको वहीं से कर देते हैं, और यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो भी आपने सबमिट कर देना है, यानी कि आपने सीवी वगैरह वो आप सबमिट कर देनी है, तो इस तरह करके आपने यहाँ से ये आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म है ये डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके फिलअप करके तो इधर ही सबमिट कर देना है यहाँ पे चूज, तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, वो खुद ही आपको टीम रब्ता कर लेगी, तो इतना तो काफ़ी है, बाकी तो आप कर ही लेंगे, तो अब आप कर लें अप्लाई और लेने जॉब और चले जाएंगे।